दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके कंप्यूटर में बैटरी का आइकन शो नहीं कर रहा है, यहां बैटरी नहीं दिखा रहा है, तो उसको कैसे ठीक करें, कैसे आप बैटरी के आइकन को यहां टास्क बार में ला सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, मैं आपको तीन चार तरीके बताऊंगा, इसके बाद आपका ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। तो एंड तक देखते रहिए। तो इसके लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए कोने में आपको विंडोज़ का आइकन दिखेगा, स्टार्ट बटन बोलते हैं, इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है और आ जाना है अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की सेटिंग में। इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पर्सनलाइज का, यहाँ देखिए पर्सनलाइज का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप पर्सनलाइज पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे किनारे में, यहाँ देखिए। तो यहाँ नीचे आपको थोड़ा सा आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा टास्क बार का, इस पर आपको क्लिक करना है। टास्क बार पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा नोटिफिकेशन एरिया करके, यहाँ पर दो ऑप्शन हैं, तो पहले आपको ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, सेलेक्ट विच आइकन अपीयर ऑन द टास्क बार, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, तो यहाँ पर जब आप स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पावर का, यहाँ देखिए पावर का एक ऑप्शन है यहाँ पर है, तो अभी ये ऑफ है तो इसको आप ऑन कर दीजिए। जैसे आप इसको ऑन करेंगे तो आपकी बैटरी यहाँ पर टास्क बार में शो करने लग जाएगी। अब मान लीजिए यहाँ पर ये बैटरी का आइकन नहीं आ रहा है, पावर का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो यहाँ से आपको बाहर आना है। अब यहाँ आपको दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ दूसरा ऑप्शन है टर्न सिस्टम आइकन ऑन और ऑफ, इस पर आप क्लिक कीजिए। इस पर आएंगे तो यहाँ पर भी आपको पावर का एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ देखिए पावर का ऑप्शन है, ये अभी ऑन है, अगर ये ऑफ रहता है तो इसको आप ऑन कर लीजिएगा। तो इसको ऑन करते ही आपका जो पावर बटन है या जो बैटरी है वो आपके टास्क बार में शो कर देगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये शो कर रहा है। ओके, अब चलिए मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ, इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। पर्सनलाइज सेटिंग में जाने का दूसरा तरीका क्या है, माउस का राइट बटन दबाइए, फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा पर्सनलाइज का, इस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पर आप पर्सनलाइज में आ जाएंगे, फिर यहाँ टास्क बार में आ जाइए। टास्क बार में आने के बाद आप यहाँ से भी डायरेक्ट आ सकते हैं इस सेटिंग में। ओके, यहाँ पर देखिए इस सेटिंग में आ सकते हैं। तो ये दो तरीका हो गया। तीसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, आपको क्या करना है, दिस पीसी या माई कंप्यूटर में आ जाना है। इसके बाद सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंप्यूटर का, यहाँ देखिए कंप्यूटर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा मैनेज का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप मैनेज पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा, या आप देख सकते हैं इस प्रकार का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डिवाइस मैनेजर, यहाँ पर डिवाइस मैनेजर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। डिवाइस मैनेजर पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा बैटरीज का, यहाँ पर देखिए बैटरीज का ऑप्शन है, तो अगर आपको यहाँ पर बैटरीज का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो कोई सा भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, माउस का राइट बटन दबाइए, फिर यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंजेस, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर ये हार्डवेयर को स्कैन करेगा तो उसके बाद यहाँ पर आपको बैटरीज का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अब आपको यहाँ बैटरीज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर जो छोटा सा एरो है इस पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको दो तीन ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको एक एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ ऑप्शन मिलेगा अपडेट ड्राइवर, इस पर अपडेट ड्राइवर पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर इसको अपडेट करने के बाद भी बैटरी नहीं शो कर रहा है तो एक बार आप इसको डिसेबल कर दीजिए, यहाँ डिसेबल पर क्लिक करके यस कर दीजिए। और इसी प्रकार से दूसरा वाला जो ऑप्शन है उसको भी आप डिसेबल कर दीजिए, यहाँ पर क्लिक कीजिए, डिसेबल डिवाइस पर क्लिक कीजिए और यस कर दीजिए। इन दोनों को डिसेबल करने के बाद आपको थोड़ी देर बाद इसको फिर से क्लिक करना है और इसको यहाँ से इनेबल कर देना है, इन दोनों ऑप्शन को इनेबल कर दीजिएगा, इनेबल करना मत भूलिएगा। ओके, तो यहाँ पर इनेबल कर दीजिए, मैंने इनेबल कर दिया है, तो अब देखिए यहाँ पर बैटरी शो कर रहा है। तो ये हो गया तीसरा तरीका। अब चलिए मैं आपको चौथा तरीका बता देता हूँ, बहुत ही छोटा सा है। यहाँ पर आपको क्या करना है, टास्क बार में देखिए यहाँ पर आपको छोटा सा एक एरो दिखेगा, यहाँ देखिए इस प्रकार का छोटा सा एरो है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी बैटरी शो हो जाएगी। यहाँ पर मैं अभी इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, तो अभी देखिए बैटरी का आइकन गायब हो गया है, लेकिन जब आप यहाँ कोने में इस छोटे से एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आएंगे, यहाँ
यहाँ पर वाईफाई, क्रोम ब्राउजर, एंटीवायरस ये सब मिलेगा। तो इसमें आपको ये पावर आइकन भी मिल जाएगा, इसको आप खींच कर यहाँ पर लाकर टास्क बार में छोड़ दीजिए। इसके बाद आपका जो बैटरी है वो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं आ गया है। ये हो गया चार तरीका। अब मैं आपको लास्ट एक स्टेप बता देता हूँ, ये कोई तरीका नहीं है। आपको क्या करना है, एक बार अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को बंद कर देना है, स्विच ऑफ कर देना है। उसके बाद उसको आप दोबारा से ओपन कीजिए, फिर उसके बाद रिफ्रेश कीजिए, तब आपका ये जो पावर बटन है या पावर आइकन है वो यहाँ पर शो करने लग जाएगा। तो टोटल मैंने आपको चार या पांच तरीके बता दिए हैं, इसके बाद तो आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इस प्रकार से आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो हेल्पफुल लगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछ लीजिएगा।